हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में, हाउ टू फोरकास्ट। तो मैंने कुछ करेंसी पेयर्स को एनालिसिस किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें किस तरीके से उनमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वीडियो के एंड में मैं गोल्ड का एनालिसिस शेयर करूंगी। तो अगर आपको गोल्ड का एनालिसिस जानना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, डायरेक्शन देखो, तो मार्केट पहले अप ट्रेंड कर रहा था, फिर यहाँ पे करंटली मार्केट ने नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, CHO CH दिया, और ये मेजर CHO CH है, मतलब कि वैलिड लो है, वो नीचे ब्रेक हुआ है। तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इज डाउन ट्रेंड, तो फिर हमें हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एरिया भी मार्किंग करने होंगे। तो ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया है, और इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर लिया, तो ये वैलिड लो बन गया। वैलिड हाई वैलिड लो दोनों बन चुके हैं। अभी हम बनाएंगे एरियाज। तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए ये आईडीएम है और इससे प्रीवियस यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। SOB कैसे बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे SOB हो जाएंगे। अभी मार्केट ने हमारे आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी बुलाते हैं, उसको ग्रैब कर लिया है, ऊपर की तरफ उसको ब्रेक कर दिया है। तो मतलब मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है और मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया है। तो मीन्स मार्केट अभी एक्सट्रीम तक रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें काउंटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब तक मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक रीटेस्ट करे। तो फिर हम आवरली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं काउंटर ट्रेड देखने के लिए। तो चलिए आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो 1 आवर में अगर हम करंट स्ट्रक्चर मैप करें तो यहाँ पे ये वैलिड हाई है क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। ये वैलिड लो है क्योंकि इसने वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया, और फिर ये यहाँ पे हमारा नया वैलिड हाई बना जिसने भी इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। तो ये लो और ये हाई, वैलिड हाई वैलिड लो मिल चुके हैं। अभी हम एरिया बना सकते हैं। तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक। तो आईडीएम से प्रीवियस हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है। सो यहाँ पे वी कैन सी दिस वन, ये हमारा वैलिड ओबी होगा। और एक ऑर्डर ब्लॉक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ओबी। अभी आप देखोगे तो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पूरा ग्रैब हो चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना जरूरी नहीं है। अभी आप ध्यान से देखो तो हमारा एक्सट्रीम ओबी भी मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। अभी ये ग्रैब हुआ है तो इसके रीजन है, यहाँ पे नीचे एक अनमिटिगेटेड शेडो थी तो मार्केट उसको मिटिगेट करने नीचे आया है। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैलिड लो है जिसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है, तो इसको हम मेजर CHO CH मान सकते हैं। बट अगर हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमारा जो वैलिड लो है ना वो स्वीप हुआ है, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, 1 आवर में ही कैंडल क्लोज हो रहा है। तो अगर 4 आवर में भी कैंडल क्लोज हो रहा होता तो वी कैन से कि मार्केट डाउन जा सकता है, बट यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में एक्चुअली लो स्वीप हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। एज यू ऑल नो लोअर टाइम फ्रेम फॉलो हायर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे 4 आवर के इस स्वीप को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम सिर्फ 1 आवर के CHO CH को ही नहीं देख सकते। तो अभी यहाँ पे देखो 4 आवर में यहाँ पे स्वीप मिल रहा है, तो वी कैन टेक लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन। लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन बता देगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 आवर के अंदर कंफर्मेशन लेना है। अभी क्या कंफर्मेशन होगा,
अगर मार्केट ऊपर जा करके इस हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हम उसके हिसाब से एरिया देख सकते हैं। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेक नहीं मिलता, मान लो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर हमें उसके हिसाब से नया स्ट्रक्चर मार्क करना होगा। तो ये है यूरो यूएसडी का एनालिसिस। देखते हैं क्या होता है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में, उसके बेस पे हमें मार्केट में डिसीजन लेना है। इसका फॉलो अप मैं आपको टेलीग्राम में देती रहूंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट करेंसी पेयर है एनजेडी कैड। एनजेडी कैड में अगर आप हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखो तो ये है डेली टाइम फ्रेम, और आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर इज डाउन ट्रेंड, तो उसके हिसाब से हम वैलिड है वैलिड लो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड है वैलिड लो मार्क करें, तो ये लो वैलिड लो है, इसने आईडीएम ग्रैब किया, ये हाई वैलिड हाई बन गया, इसने वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया है, फिर ये लो बना और इसने भी आईडीएम को ऊपर ग्रैब किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो, तो वैलिड हाई भी मिल गया है वैलिड लो भी मिल गया है। अभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं। तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो आईडीएम से प्रीवियस यहाँ पे सारे ओबी मिटिगेटेड है, यहाँ पे हमारे वैलिड हाई के पास में ही एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, तो यही एक हमारा डिसीजनल ओबी हो जाएगा और यही हमारा एक्सट्रीम ओबी हो जाएगा। तो मार्केट देखो हमारे हायर टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। तो मार्केट अगर हमारे एरिया में है तो यहाँ से मार्केट अभी लॉन्ग टर्म डाउन जा सकता है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का एरिया है। बट उसके लिए हमें 1 आवर में कंफर्मेशन देखना होगा, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। सीएचओ सीएच एंड इंड्यूसमेंट दोनों हमें देखना है। मेक श्योर आप हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन लो। ओके, जैसे कि ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, बट ये माइनर पुल बैक है। अगर आप नोटिस करो तो मेजर पुल बैक ये वाला है, बाकी के जितने भी ये पुल बैक है वो इसके अंदर बन रहे हैं। तो अगर मार्केट इसका सीएचओ सीएच देता है ना, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सीएचओ सीएच होगा। ओके, हम इनके सीएचओ सीएच भी ले सकते हैं, बट वो बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि वो फॉर्मो के लिए ही इनका सीएचओ सीएच करे और वापस से लिक्विडिटी मैनिपुलेशन करे। तो मार्केट हायर टाइम फ्रेम के एरिया में है, तो यहाँ पे काफी सारे मैनिपुलेशन होंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से पहले। तो यहाँ पे हमें अच्छे से कंफर्मेशन लेना है, मेक श्योर हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन हम ले। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट क्या करता है। जब वीक स्टार्ट होगा, वी नीड टू वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है एनजेडी कैड का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड में यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर हम पहले हायर टाइम फ्रेम देखें, तो यहाँ पे गोल्ड ने डेली टाइम फ्रेम के एरिया में टैप किया था, उसके बाद से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ओके, अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे 4 आवर में करंटली ब्रेक मिला है, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैलिड हाई ऊपर ब्रेक हुआ, तो फिर ये वैलिड लो हो गया। अभी यहाँ पे कोई वैलिड हाई नहीं बना है, फिर भी मैंने एरिया मार्क कर रखे हैं, हम पहले से भी एरिया मार्क कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो ये हो जाएगा आईडीएम। तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस ऑबी, तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो वैलिड लो के पास में यहाँ पे ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वैलिड। ओके, बट मार्केट ने अभी कोई रीटेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, मार्केट सिंगल लेग मूव ही दे रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है, लाइक दिस यू कैन सी दैट। ओके, यहाँ पे 3 हाईज बने हुए हैं, तो मुझे लगता है मार्केट इसको पहले ग्रैब करेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, तो पहले वो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन करेगा, तभी रीटेस्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होगा, तभी मार्केट नीचे आना स्टार्ट करेगा।
ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अभी कोई रिटेस्ट ना दे आवर्ली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर जाए और पहले इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ये जो तीनों हाई बन रहे हैं ना, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको पहले ग्रैब करेगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, तभी मार्केट रिटेस्ट करेगा। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ पे जल्दी रिटेस्ट करने वाला है, पहले मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अभी के लिए ये हमारी मैपिंग है। अगर मार्केट रिटेस्ट करता है हमारे इस हॉबी में, तो वी कैन टेक अ कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो वी कैन प्लेस अ ट्रेड, अगर नहीं मिलती तो हमें फिर एक्सट्रीम हॉबी पे मार्केट का आने का वेट करना होगा। ओके, तो ये है गोल्ड का एनालिसिस, आई होप समझ में आया हो, एंड दिस इज द लास्ट करेंसी पेयर। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।